अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर जो बयान दिया था ब्यावरा के विधायक ने, उन्होंने उसके लिए माफी मांग ली है। कहा है कि गोडसे को लेकर के जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था उससे वो बेहद ज्यादा नाराज थे, आहत थे, और इसलिए गुस्से में उनसे ये शब्द निकल गए थे कि साध्वी को जलाऊंगा। दांगी जी के शब्द गुस्से में नहीं निकले थे बल्कि दिग्विजय सिंह जी की सोची समझी रणनीति के तहत थे। दिग्विजय सिंह जी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बार बार अपमानित करना चाहते हैं। पहले उन्हें गैर कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल के शिक्षे के अंदर रखा, लेकिन प्रज्ञा भारत की वो शेरनी साध्वी है जिसने चुनौती दी और चुनौती देकर दिग्विजय सिंह से चुनाव में दो दो हाथ किए और दिग्विजय सिंह जी को मुंह की खानी पड़ी, वो चुनाव में उनको हारना पड़ा। और फिर अब दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि साध्वी को कैसे भी जलवा दिया जाए, इसलिए राजगढ़ के उनने अपने ही विधायक से कह दिया कि हम साध्वी को जिंदा जला देंगे। जब शेरनी धाड़ी तो दिग्विजय सिंह जी को भी पीछे लौटकर भागना पड़ा और दांगी साहब को भी भागना पड़ा, लेकिन अभी कांग्रेस का भागना बाकी है। मैं कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूं कि भारत की बेटी ये शेरनी है, भारत की बेटी ये दुर्गा है, भारत की बेटी ये काली है, भारत की बेटी ये सरस्वती है। चाहोगे तो विद्या दे देगी, लेकिन अपराधी अगर बनोगे तो ये दुर्गा बनकर आपके खिलाफ संघर्ष का भी बिगुल बजा सकती है। इसलिए भारत की बेटियों को जलाने के शब्द बोलना कांग्रेसी और बंद करो। अब नैना साने तंदूर कांड करना बंद करो, सरला मिश्रा को आग में जलाना बंद करो, प्रज्ञा ठाकुर को मामूली मानकर जलाने की धमकी मत देना। ये भारत की हिंदू और भगवा शेरनी है, ये तुमको मुंह तोड़ जवाब भी देगी और ये तुम्हारे द्वार पर भी आएगी, जलाकर दिखाओ। आप इसको जला नहीं सकते, ये वो है जो भारत के लिए लड़ती और मरती रहेगी।